सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर क्या है, किस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जो ग्रैंड कार्डन के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किताब में ऑथर ने हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सारी सफलता पाई और 750 मिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी सक्सेस पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी लाइफ से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखिए। बुक्स के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8, व्हाट इज द 10x रूल। किसी साधारण बुक स्टोर की शेल्स को खोजते हुए आपको वो किताबें ज्यादा पसंद आती हैं जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती हैं। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से यह जानना मुश्किल हो जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। यह 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा दी गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में 10 फोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो आपको शायद हर रोज 100 फोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। चैप्टर 2, व्हाई द 10x रूल इज वाइटल। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितना ज्यादा प्रयास की जरूरत है आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थितियों अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें, बल्कि यह सोचें कि आप इतना प्रयास नहीं कर पाए जितना आपको करने की जरूरत है। चैप्टर 3, व्हाट इज सक्सेस। इतिहास ने यह बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तविक सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है कि 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1,00,000 वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे जहाँ बहुत से लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बड़े कार्य को संभालने की क्षमता विकसित की है। चैप्टर 4, सक्सेस इज योर ड्यूटी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। चैप्टर 5, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस या निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य यह है कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है और उनके लिए नहीं। यह भ्रम दूर करना भी बहुत जरूरी है और यह भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं है, लोग जो भी कहें। लेकिन सफलता पाने के बहुत से अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि एक फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10x मानसिकता होगी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं
नहीं है कि सफलता के लिए दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर सेलफोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं, तो आपने एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है जिससे सभी को फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेसेस इसको ईर्ष्या से देखते हैं, तो वे अपनी सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से सीखेंगे। चैप्टर 6, एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप हैं। चैप्टर 7, 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। क्या आपने 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? यह एक बहुत ही साधारण विचार है जो कि यह बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो आप 4 में से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं, या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं, और इन 4 में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए रुकते नहीं है। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार के एक अधिकारी को बेचना है, तो अपनी मेहनत को आंकने की बजाय अधिकारी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता, तब तक हार ना माने। चैप्टर 8, एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। यह ध्यान में रखें कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाने का काम आपका है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज औसत है। जरा सोचें कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा ये है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन सकता है। सन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ यह बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। यह सोच कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है, इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाले कई वर्षों तक सफल बने रहेंगे। चैप्टर 9, 10x गोल्स। 10x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों से 10 गुना ज्यादा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपने से भी परे हो। यह शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं, तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं। और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए, तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होना ज्यादा अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य लेखक बनना है, तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी कहानी लिखना नहीं, बल्कि एक नावल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा भी कर लेते हैं, तो भी आप खुद को लेखक नहीं मानेंगे। चैप्टर 10, कॉम्पिटिशन इज फॉर सिसीज। एक चीज जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो है आपके नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं, तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें उबर का ख्याल आता है। इसलिए वैसे ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना लेते हैं, तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं। आपको आगे क्या करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करें, और उस वक्त जो भी आपके पास है, उस पर अपना सब कुछ लगा दें। चैप्टर 11, ब्रेकआउट द मिडिल क्लास। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिससे लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। एक मिलियनेयर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके, आप अपने इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। चैप्टर 12, ऑब्सेशन इजंट अ डिजीज, इट्स अ गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के
के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। यह एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे अच्छी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज का सामना करते हैं तो वो उस दिलचस्प गतिविधि को करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति कितने गंभीर हैं, तब वो आपके बेतहाशा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहें, तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्यों में विश्वास करें। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही आवश्यक गुण है, पर ये उतना ही जरूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना और विफलता के बहानों से दूर रहना। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। चैप्टर 13, गो ऑल इन एंड ओवर कमिट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो, उसे पता है कि आपका सब कुछ दांव पर लगना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ घर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हार गए तो सब कुछ गवा बैठेंगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, क्षमता और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश करना। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और आपको प्रेरित करने के लिए काफी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर है और अपना जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब यह भी है कि आप हल ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जब आप उचित लक्ष्यों को तय कर लेंगे, तब आपको उनमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती हैं जो उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जो भी करें, लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदमों पर ना चलें। चैप्टर 14, एक्सपैंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर लोग डर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचना है। चैप्टर 15, बर्न द प्लेस डाउन। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दें और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहें। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वहीं ना रुकें, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। यह एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। चैप्टर 16, फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे, तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं, वह चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनाना या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। चैप्टर 17, द मिथ ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि ये कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दें जिससे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा काम करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है, इस पर कड़ी नजर रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। हम एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख करते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद
उन्होंने अपने निर्धारित समय से एक घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय गुजार सके और उनकी पत्नी आराम कर सके। इस सब के बावजूद वह उतना ही काम करते थे जितना वो पहले करते थे। चैप्टर 18 क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो यह समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे हैं और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधर कैसे सकते हैं। चैप्टर 19 कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना जो सामाजिक प्रचलन के अनुसार उन पर थोपे गए लक्ष्यों को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को ये हमेशा बताया जाता है कि ग्राहक बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाए। यही नहीं बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको कमजोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भय में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा को नए ग्राहकों को ढूंढने में लगा पाएंगे। बल्कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के बजाय ग्राहक बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि जितने ज्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे वे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। चैप्टर 20 ओमनी प्रेजेंस। हर समय हर जगह प्रस्तुत होने के बारे में सोचें। इस तरह की 10x मानसिकता आपको अपने सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10x एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और 10x काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां पर आप हर समय और हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। चैप्टर 21 एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस या बहाने कभी भी कुछ ना कर पाने के पीछे के असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, केवल असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूजेस या बहाने ही वह मुख्य कारण है जो यह निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। चैप्टर 22 सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में भी एक अलग सोच रखते हैं। सफलता किसी भी दूसरे स्किल से अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शंस को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखें कि सफलता वो नहीं जो आपको संयोग से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।